This call is now being recorded. All right, let me start the screen share. चलिए, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम. जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, विल ट्राई टू सी देम, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. तो ये आज का रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो ये सारे फाइलम आपके सामने जिनको हमें थरली समझना है और स्टडी करना है. प्रोटोजोआ को आप इग्नोर करोगे, ये आपके एनिमल किंगडम में नहीं आता, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे इग्नोर. आपकी स्टोरी चालू होगी आपके पॉलीफेरा से, एंड देन विल रीच अप टू योर कॉर डेटा. तो ये आपके फाइलम है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ध्यान से, उनको हम समझेंगे यहाँ पे, राइट. जब भी आप पॉलीफेरा से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हो और जब आप जाके पहुंचते हो आपके कॉर्डेट्स तक, तो याद रखना आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जा रहे हो. आपके जो पहले के जो आपके ग्रुप्स हुआ करते थे, दैट वुड बी मच मोर सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर था, बट जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कॉम्प्लेक्सिटी आपको बढ़ते हुए आपको दिखेगी. यू विल हैव अ पॉलीफेरा, देन यू हैव योर स्लेंट्रेटा, देन आपका यहाँ पे आपका टिनोफोरा, देन प्लेटी हेलमेंथिस. प्लेटी हेलमेंथिस को हम इवन बोलते हैं कॉमनली एज अ फ्लैट वॉर्म्स, इनको हम इवन बोलेंगे एज अ फ्लैट वॉर्म्स. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. देन यू हैव एस्कलामेंथिस, जिनको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ राउंड वॉर्म, इवन यू कैन कॉल देम एज अ राउंड वॉर्म, जो इनको हम आगे पढ़ेंगे. एनेलिडा में आपका आता है आपका फार्मर्स फ्रेंड, जो आपका होगा यहाँ पे अर्थ वॉर्म. आठोड़ा में आपके सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, राइट. याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इन सारे फाइलम में से सबसे बड़ा फाइलम आपका कौन सा, देन यू विल से इट्स योर आर्थ्रोपोडा. इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा एनिमल्स देखने के लिए आपको मिलेंगे. सो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स विल बी सीन इन माय आर्थ्रोपोडा. देन आपका आता है मोलुस्का, जिसके अंदर आपको आपके स्नेल आ जाते हैं, ऑक्टोपस आ जाता है. दैट इज समथिंग ऑल यू हैव सीन, राइट. दैट इज मोलुस्का. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका रहेगा मोलुस्का. फिर आपका रहेगा एकानोडर्मेटा, स्टारफिश वाला, हेमिकॉर्डेटा, एंड देन यू हैव द कॉर्डेट्स, जिसके अंदर हम सब आते हैं. तो ये सारे फाइलम जिनको हम स्लोली समझेंगे, बट पहले आज हमें ये समझना है कि इनको फाइलम को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है. सो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दूंगा. अज्यूम करिए कि आप पानी के पास चलते हुए जा रहे हैं, या एक ओशन के पास आप घूम रहे हो, या कोस्टल एरिया पे आप घूम रहे हो, और आपके सामने कोई एनिमल आता है, आपको कोई एनिमल दिखता है पानी के अंदर, आप उस एनिमल को उठाते हो, ऑब्जर्व करते हो. अब आपको उस एनिमल को किसी एक फाइलम में प्लेस करना है, तो आप उसको प्लेस करने के पहले कौन से क्राइटेरिया को आप स्टडी करोगे, विच आर द पैरामीटर्स और विच आर द क्राइटेरियाज विच यू विल स्टडी बिफोर कीपिंग दैट एनिमल इनटू अ राइट काइंड ऑफ फाइलम. आपको एक पानी के पास एनिमल मिला, आपको इसे एक सही फाइलम में उसे प्लेस करना है, बट आप उसे डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते, आपको उसे स्टडी करना पड़ेगा. तो जब आप उसे स्टडी कर रहे हो, तो कौन से कैरेक्टर्स को आप स्टडी करते हो. सो दीज आर माई कैरेक्टर्स. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेगमेंटेशन. ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप थरली स्टडी करते हो, और उसके बाद उस एनिमल को आप सही फाइलम में आप डालोगे. तो इनको ही हमें यहाँ पे समझना है. दीज आर कॉल्ड एज माई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इनके बेसिस पे ही आप अपने एनिमल को क्लासिफाई करते हो, चाहे वो कोई भी एनिमल क्यों ना हो. सो इन सारे टर्म्स को हमें आज समझना होगा, और इनको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग वी डू. सो इमेजिन करो कि आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हो, राइट, एंड थिंक इन दैट वे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद अरेंजमेंट ऑफ सेल. इस टर्म से हम यहाँ पे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द अरेंजमेंट ऑफ सेल, किस आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है. सो आपका पहला टर्म यहाँ पे आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको मिल सकता है देखने के लिए. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स योर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. ये एक दूसरा टर्म है मेरा फॉर योर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के लिए. अब इसमें एक आपका टर्म आया है यहाँ पे, दैट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट्स अ फर्स्ट टर्म, सेलुलर लेवल. अब होता क्या है कि कुछ आपके एनिमल्स होते हैं, कुछ आपके ऐसे फाइलम हैं जिनके अंदर आपको सेल्स आपको मिलेंगे, बट सेल्स आपके टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं. मतलब सेल्स आपके लूजली अरेंज्ड है और वो अपना वहां पे काम कर रहे हैं, बट जनरली आप क्या देखते हो कि आपके सेल्स इकट्ठा होते हैं, दे फॉर्म द टिश्यू, वैसा आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. तो सेल्स आपके लूजली अरेंज्ड होंगे वहां पे,
और वो अपना वहां पे काम कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग देयर वर्क. सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट अगर आपको देखने के लिए मिलता है, अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने के लिए मिल जाए, देन वी विल से इट हैज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ एक ही फाइलम के अंदर. ये अच्छी बात है कि आपको सिर्फ एक ही सिंगल फाइलम में आपको देखने के मिलता है, एंड दैट फाइलम इज गोइंग टू बी योर पॉरीफेरा. ये जो फाइलम आपका यहाँ पे होगा, उस फाइलम का नाम यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे एज अ पॉरीफेरा, राइट. सो पॉरीफेरा बिकम्स अ फाइलम. अब पॉरीफेरा जो आपका यहाँ पे फाइलम होगा, इस फाइलम के अंदर आपको याद रखना, इसके अंदर जो अरेंजमेंट डेल्टा है आपको सेल का, दैट इज ऑफ योर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा देखने के लिए. यहाँ पे आपको टिश्यू देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, कई सारे आपको सेल्स मिल जाएंगे, यू विल गेट टू सी मेनी सेल्स ओवर देयर, बट दोज सेल्स आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यूज, और ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं, दे आर लूजली अरेंज एंड दे आर डूइंग देयर जॉब. सो इन स्पॉन्जीज, हाँ जी बेटा बोलिए. अच्छा स्क्रीन किसको भी नहीं दिख रहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. सर अब दिख रहा था, सर दिख रहा था, रुकिए वापस ला ले आता हूँ एक बार फिर दिखेगा. अच्छा अब सब लोग बताइए मुझे, क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है? आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्नेक ओवर हियर, नहीं बन रहा, छोड़ो. जो टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे, बट वो सेल्स अपना काम वहाँ पे काफी सही तरीके से कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग द टिश्यूज ओवर देयर. सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ये आपको मिलेगा देखने के लिए एक सिंगल फाइलम के अंदर, उस फाइलम का नाम है आपका यहाँ पे पॉरीफेरा. सो पॉरीफेरा आपका एक फाइलम है जिसके अंदर आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट. सो दे आर लूजली अरेंज, सो लूज सेल्स एग्रीगेट एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन. ठीक है, तो ये चीज आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाती है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पे आता है, दैट इज माय टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे दैट कई सारे आपके यहाँ पे सेल्स जिनका कॉमन फंक्शन होगा, ये सारे आपके यहाँ पे होंगे इकट्ठा, and they will form the tissue. So all the cells which are having the common function, they will come together and they will form the tissue. So aise aapko tissue formation yahan pe aapko dekhne ke liye mil jata hai. This is your tissue over here. So kai sare cells yahan pe ikatthe hue and they have formed the tissue. Ab tissue yahan pe dekhne ke liye agar aapko mil raha hai, right, but aapko yahan pe organ dekhne ke liye nahi mil raha, right. So cells ikatthe ho rahe and they are forming the tissue, aur ye condition aapko mil sakti hai dekhne ke liye do phylum ke andar. So you have these two phylum जिसमें आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है. डेटा एक होता है आपका सिलेंट्रेटा, दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा टिनोफोरा, राइट. तो याद रखना सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा. सिलेंट्रेटा को इवन आप याद रख सकते हो एज अ निडेरियंस, इनको हम इवन कहते हैं एज अ निडेरियंस या निडेरिया, एक और यहाँ पे नाम हो जाता है, और दूसरा नाम तो आपका टिनोफोरा ही वहां पे रहेगा. सो टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा के अंदर आपको जनरली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे आपके सेल्स इकट्ठा होते हैं एंड दे फॉर्म द टिश्यू, राइट. बट ऑर्गन फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो ये थोड़ा सा एडवांस है, बट बहुत एडवांस भी ये नहीं है. तो ये आपको याद रखना. सो यहाँ पे दो फाइलम आप याद रखोगे, एक आपका आएगा निडेरिया और दूसरा फाइलम आप यहाँ पे याद रख सकते हो एज योर टिनोफोरा. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. पुराने जमाने के फाइलम है, आप इतना अगर याद रख सकते हो तो एक दो एग्जाम्पल भी इसके अंदर याद रख लो. जब भी आप बात करते हो आपके सिलेंट्रेटा की या निडेरियंस की, जब आप बात करोगे तो आप इमेजिन कर लेना आपका जेलीफिश को आप याद कर लेना, जो आप इमेजिन भी कर सकते हो, और दूसरा आप याद कर लेना आपके हाइड्रा को. सो दीज आर द टू एग्जांपल यू कैन ऑलवेज इमेजिन ऑफ. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देन वी हैव द ऑर्गन लेवल सिस्टम. अब ऑर्गन लेवल के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपके यहाँ पे टिश्यू आपके फॉर्म हो रहे हैं, राइट. सो यू हैव, लेट्स से यू हैव अ टिश्यू नंबर वन, राइट, एंड देन यू हैव दिस वन मोर टिश्यू ओवर हियर कमिंग टूगेदर, राइट, टिश्यू नंबर टू, और आपके कई सारे टिश्यू इकट्ठा होकर दे आर फॉर्मिंग द सिंगल ऑर्गन. सो यू हैव अ टिश्यू वन, यू हैव अ टिश्यू टू, यू हैव अ टिश्यू थ्री, और ये कलेक्टिवली आपके बनाते हैं यहाँ पे ऑर्गन. सो दे आर गोइंग टू कम टूगेदर एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म समथिंग नोन एज योर ऑर्गन. तो आपको यहाँ पे ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, या अगर आपको कोई एक एनिमल मिलता है उसके अंदर आपको ऑर्गन अगर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं,
देन यू विल से इट इज अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपको मिलेगा सिर्फ देखने के लिए आपके प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर. सो इनको हम इवन कहते हैं एज अ प्लेटफॉर्म. सो प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है. राइट, टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स. ठीक है, उसी तरीके से एक और आपका टर्म यहाँ पे होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल. अब ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में फर्क क्या होता है ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या होगा कि आपके कई सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे यहाँ पे एक ऑर्गन है. राइट, वैसे यहाँ पे भी आपको ऑर्गन मिलेंगे. यू हैव लेट्स से यू हैव ऑर्गन नंबर वन, राइट, यू हैव ऑर्गन नंबर टू ओवर हियर, राइट, और ये सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होंगे. दिस ऑल ऑर्गन्स आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर वी हैव द हार्ट, राइट, वी हैव द हार्ट, वी हैव योर ब्रेन, वी हैव किडनी, राइट. अब ये सारे जो आपके ऑर्गन है ये सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन, राइट. आपका ब्रेन चाहे तो आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करा सकता है, राइट. अगर आपका ब्रेन चाहे तो आपका यूरिन का आउटपुट आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. ठीक है, योर हार्ट कैन इंक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द यूरिन. तो ये सारे जो आपके ऑर्गन है दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. ये सारे हमारे पास ऑर्गन है और ये सारे सोलो काम नहीं कर रहे. ऐसा नहीं कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसा नहीं है. दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन, सो दे आर ऑल गोइंग टू शो द कोऑर्डिनेशन इन वर्क. सो दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क. सो हर कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है. सो हर कोई एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है. दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. सच काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन हायर एनिमल्स ऑर्गन फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. सो कई सारे ऑर्गन आपके यहाँ पे साथ में मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे. ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो याद रखना प्लेटीहेलमिंथिस के बाद जितने भी तुम्हारे फालम आएंगे, इसके बाद जो तुम्हारे फालम आते हैं वो आपके यहां से चालू होगा. योर एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस से स्टोरी आपके यहाँ पे चालू होगी. यहां से लेके आपके कॉर्डिटा तक, इस फालम से लेके एकदम आपके एंड का फालम, दैट इज योर कॉर्डिटा. इन सब के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये बात याद रखनी है. तो इन दोनों में फर्क क्या रखना, ऑर्गन लेवल पे आपको ऑर्गन मिलेगा लेकिन वो दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेगा. राइट, इट वोंट बी वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. वो अपना अलग से अपना काम कर रहा होगा. ठीक है, बट ऑर्गन सिस्टम में ऐसा नहीं होता. ये सब एक सिंक में काम करते हैं, एक सिंक्रोनाइज करके एक दूसरे के साथ ये लोग काम करते हैं. तो ये आपको चीज यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज माय ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल सामने टर्म आया, याद रखना फ्लैटवर्म, दैट मींस योर प्लेटीहेलमिंथिस, आपको नाम याद रखना है. आपके सामने आता है टिश्यू लेवल, आपको याद रखना है आपका सिलेंट्रेटा एंड योर टीनोफोरा. ये दो नाम आपको याद रखना है, ये दो फाइलम आपको यहाँ पे याद रखना है. एंड देन व्हेन समवन टॉक अबाउट सेलुलर लेवल, तो इसमें तो एक ही आ रहा है सबसे सिंपल, दैट इज योर पॉलीफेरा. ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी. सो दिस इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया नंबर वन. तो ये सबसे पहली चीज तुम चेक करते हो अगर तुम्हें कोई एनिमल मिलता है तो पानी के पास. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स. अगली चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज माय सिमेट्री. ठीक है, अब समझो तुम्हारे हाथ में एक एनिमल आया और उस एनिमल को तुम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. तुम सोचो कि मैं इसको काट के दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता हूं लेकिन तुम उसे कर नहीं पा रहे. तुम कहीं से भी उसे कट कर लो, तुम्हें दो इक्वल हाफ मिल ही नहीं रहे. अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें मिलती है तो सच एनिमल आर कॉल्ड एज माय असिमेट्रिक एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज माय असिमेट्रिकल एनिमल. राइट, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स. दो इक्वल पार्ट में बॉडी को तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते कभी भी. राइट, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज माय असिमेट्रिकल एनिमल्स. तुम्हारे हाथ में एनिमल दे दिया, तुम कहीं से भी उसे काटो तुम्हें इक्वल हाफ उसके मिलेंगे ही नहीं. सो दिस आर कॉल्ड एज माय असिमेट्रिक एनिमल्स. तो हाँ जी बेटा बोलिए. अमीबा तुम्हारा बढ़िया एग्जांपल है लेकिन वो एनिमल किंगडम में आएगा नहीं इसलिए उसे काउंट नहीं करेंगे. बट यस, अमीबा एक अच्छा एग्जांपल है. तुम उसे कहीं से भी काट लो उसे तुम्हें इक्वल हाफ मिलेंगे ही नहीं. राइट, बट यहाँ पे जो आप एग्जांपल याद रखोगे असिमेट्रिक एनिमल्स का, वो आप करेगा एक ही फाइलम यहाँ पे रहेगा एंड दैट फाइलम इज गोइंग टू बी योर पॉलीफेरा. पॉलीफेरा इज गोइंग टू हैव असिमेट्रिकल एनिमल्स. सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू शो द असिमेट्री. सबके अंदर आपको असिमेट्री देखने के लिए मिलेगी. यहाँ पे आप इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, तो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है.
उसके बाद दूसरी चीज आप याद रखना, सो दैट इज व्हाई एक होगी आपके यहाँ पे सिमेट्री, दैट्स व्हाई असिमेट्री। दूसरा आपका यहाँ पे आता है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में आपका यहाँ पे क्या होगा ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि समझो आपके हाथ में मैं एक एनिमल लेता हूं, उसे आप किसी भी साइड से आप कट करो, आप उसे किसी भी प्लेन में आप कट करो, बट आपका कट सेंटर से पास होना चाहिए। आप उसे कहीं से भी कट करो बट आपका कट आपका सेंटर से पास होना चाहिए। लेट्स से आई विल जस्ट टेक समथिंग लाइक दिस, लेट्स से आई हैव टेकन दिस एज एन एनिमल, राइट। इसको मैं कहीं से भी कट करूं, इसको मैं बीच में से कट करूं, साइड में से कट करूं, किसी भी प्लेन में मैं उसे कट करूं, लेकिन अगर मेरा उसका सेंटर में से इंसिशन पास हो रहा है और वो पास होने के बाद अगर मेरे को दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, देन आई विल से दैट एनिमल हैज अ रेडियल सिमेट्री। सो आई विल कट द एनिमल फ्रॉम एनी प्लेन बट द कट शुड पास टू द सेंट्रल एक्सिस। बट मेरा जो कट हो रहा है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर वो सेंटर के एक्सिस से पास हो रहा है और उसके बाद मुझे अगर दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं, देन आई विल कॉल इट एज अ रेडियल सिमेट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, सच सिमेट्री ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो आप कोई भी प्लेन में कट करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन लोगों ने, इसको ये लोग काफी डिफरेंट प्लेन से लोग कट कर रहे हैं बट आपका सेंटर से कट आपका पास हो रहा है। द ओनली कॉमन थिंग इज आपका सेंटर से आपका कट पास होगा और आपको दो अगर इक्वल हाफ मिल जाए, देन दैट इज माय रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री आपको लेके देखने के लिए आपके निडिरियंस के अंदर, टिनोफोरा के अंदर एंड इवन इन द एडल्ट एकिनोडर्म, एडल्ट एकिनोडर्म में भी आपको रेडियल सिमेट्री देखने के मिलती है। पहले आप मुझे बताओ क्या रेडियल सिमेट्री टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और पास होने के बाद अगर आपको दो इक्वल हाफ मिल जाए, दैट इज माय रेडियल सिमेट्री, राइट। फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टिनोफोरा बिकम्स द टू एग्जांपल ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो तो आपके 100% एग्जांपल आपके इसमें आ जाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई एडल्ट एकिनोडर्म। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। देखो पहली चीज याद रखना, जब भी आपके सामने एकिनोडर्म टर्म आए, ये टर्म को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ। लेट मी हेल्प यू ब्रेक डाउन दिस टर्म एकिनोडर्मेटा, ये जो टर्म है इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ ताकि आज और आगे हमेशा इसे आप याद रखो। एकिनोडर्मेटा ये जो टर्म है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। आप मुझे बताओ जो स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या सब लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज हुई दिख रही है? बेटा सबको दिख रही है, एक बार देखो अपने नेटवर्क का इशू होगा शायद से, जरा चेक करना। मूव टू सम अदर प्लेस, थोड़ा पोजीशन चेंज करो, इधर उधर जाके देखो स्क्रीन आ जाएगी। अगर नहीं आ रही ना स्टिल, देन यू जस्ट हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, राइट। बट आई गेस सबको दिख रही है ना, अगेन आई एम आस्किंग यू दिस थिंग अगेन, सबको स्क्रीन दिख रही है क्लियरली यहां पे? यस सर, यस सर। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो देखो बेटा, डर्मेटा का मतलब होता है यहाँ पे स्किन, एकिनो का मतलब यहाँ पे होता है स्पाइन या स्पाइनी, ठीक है। सो एकिनोडर्मेटा जो पूरा टर्म होता है ना, इसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स, वो एनिमल जिनके स्किन के ऊपर स्पाइंस लगे हुए होते हैं। सो दैट इज द एकिनोडर्मेटा का मतलब यहाँ पे होता है, राइट। अब एकिनोडर्मेटा जब भी तुम्हारे सामने ये टर्म आएगा तो आपके दिमाग में आनी चाहिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल, दैट इज योर स्टार फिश। ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, दैट यू हैव द स्टार फिश इज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एकिनोडर्मेटा, राइट। तो पहले तो ये टर्म का मतलब याद रखना, हर एक टर्म का मतलब होता है, कुछ टर्म का मतलब हम इजिली समझ सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। So, echinoderma, dermata मतलब skin, echino मतलब spiny। अब बोला ये है कि रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट एकिनोडर्म के अंदर, तो आपको याद ही रखना है कि यह जो आपका स्टारफिश होगा, स्टारफिश का जो लार्वा होता है ना, स्टारफिश का जो लार्वा होगा, इट विल हैव द बायोलेट्रल सिमेट्री। याद रखना, द लार्वा विल हैव द बायोलेट्रल सिमेट्री, इट विल हैव द बायोलेट्रल सिमेट्री। बट जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट विल हैव द रेडियल सिमेट्री, देन इट विल हैव द रेडियल सिमेट्री।
तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपकी सिमेट्री यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे चेंज हो जाएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडल्ट एकनोडर्म के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपकी रेडियल सिमेट्री, क्योंकि जब वो लार्वल फॉर्म में होते हैं तब आपको अलग सिमेट्री होती है। तो ये बात याद रखना, ये एक चीज क्लियरली याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इसलिए। एंड एकनोडर्म का मैंने एक एग्जाम्पल ले दिया आपको यहाँ पे स्टारफिश, कभी अगर आप स्टारफिश को देखोगे तो उसके ऊपर कई सारे स्पाइन लगे होंगे उसके स्किन के ऊपर, सो दैट इज व्हाई दे कम अंडर द एकनोडर्म में था, ठीक है। तो क्या ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? आई होप स्टोरी भी इसके रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो आपको यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, एक तो आपका यहाँ पे है हाइड्रा। हाइड्रा का नाम हाइड्रा इसलिए पड़ा क्योंकि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें आपका हरक्यूलिस इन्वॉल्व था। हरक्यूलिस किसने सुना कि हरक्यूलिस कौन था? एनीवन? हरक्यूलिस नहीं, नो वन नाम सुना होगा, यानी ग्रीक गॉड था हरक्यूलिस, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो नाउ यू हैव द हाइड्रा एंड यू हैव ओवर हियर समथिंग लाइक योर जेलीफिश। ये आपकी जेलीफिश, ये आप लोगों ने देखी होगी। Yes, sir. रियल में तो नहीं बट वैसे देखी होगी, पिक्चर में तो देखी होगी। रियल में देखी होगी। याद आ रहा है किसी लोगों को हमने बात किया था वेट प्रेजेंट के, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इटालिक फॉर्म यूज करते हैं, राइट। हाँ तो उसके अंदर डाल कर गया उन लोगों ने, राइट। ऐसे मत बोलो वरुण कि वी हैव डन दिस, ठीक है। चलो नाउ यू हैव दिस टिनोफोरा, ये टिनोफोरा का एग्जांपल है बेसिकली। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इसके टेंटिकल दिख नहीं रहे यहाँ पे, बट इसके टेंटिकल भी यहाँ पे होंगे। सो दिस इज अ टिनोफोरा, ये बेसिकली आपका टिनोफोरा का एग्जाम्पल है जो आप आगे पढ़ोगे। So they are all going to show the radial symmetry. याद रखना, आपको मैं ये बताने के लिए यहाँ पे पूछे, they are all going to show the radial symmetry. ये आपका starfish, जो भी आपके यहाँ पे अभी बीच के पास आपको मिलेगा। याद रखना starfish हमेशा marine होते हैं, fresh water में कभी भी आपको starfish देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। Now let's start with the bilateral symmetry. अब bilateral symmetry में क्या होता है कि अगर आप animal को एक single plane में cut कर रहे हो, उसे cut करने के बाद अगर आपको दो identical halves मिल रहे हैं, then that is example of my bilateral symmetry. लेकिन आपको इसमें आपको सिंगल प्लेन में कट करना पड़ेगा, एक सिंगल प्लेन में, कई बार सिंगल वर्टिकल प्लेन में अगर आप इसे कट करोगे, then you will have two identical half, right and left. That is my bilateral symmetry. So body can be divided into identical halves, body can be divided into your identical right and left halves in only one plane. इसको हम कहते हैं यहाँ पे bilateral symmetry. इसके example, बहुत सारे example आएंगे इसके अंदर, humans are going to be one of the example. हमारे अंदर अगर हम बीच में से कट करें तो हमें दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, सो ह्यूमंस आर गोइंग वन ऑफ द एग्जांपल। यू कैन हैव लाइक कॉकरोच कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द फाइलम विल हैव बायलैटरल सिमेट्री, राइट। कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक्स, टर्टल, टॉर्टोइस, योर ग्रास हॉपर, योर ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव द बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। योर अर्थ वॉर्म विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। सो ये याद रखना, body can be divided into identical right and left halves in a one plane. ये होता है यहाँ पे as a bilateral symmetry. बहुत ही simple है, यहाँ पे आप picture देख लो, यहाँ पे बीच में से cut करेंगे तो हमें दो equal halves यहाँ पे मिल जाएंगे. So this is going to be your bilateral symmetry. Alright. अब हम बात करते हैं हमारे germinal layer के बारे में. तो जब भी हम discuss करते हैं germinal layer, तो देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया हमारा symmetry देख लिया, right? एक ये हमने parameter देख लिया, उसके पहले हमने देखा हमारा parameter, that was your organization. सेल्युलर होता है, टिश्यूलर होता है या कोई और होता है, वो हमने वहां पे देख लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जर्म लेयर। तो एज अ टैक्सोनॉमिस्ट अब तुम यहाँ पे जर्म लेयर देखोगे। अब जर्म लेयर जो तुम्हारी यहाँ पे मिलती है तुम्हें देखने के लिए, दैट विल बी अगेन तीन लेयर आपको मिल सकती है। जैसे ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो हमें तीन लेयर मिल जाती है, कई बार किसी के अंदर सिर्फ दो लेयर मिलती है। तो हम जर्म लेयर की बात करते हैं। समझो तुम्हारे हाथ में एक एनिमल है और उस एनिमल को तुम कट करके ऑब्जर्व करते हो और उसमें तुम्हें दो जर्म लेयर मिलती है। एक है आपकी एक्टोडर्म, यू हैव एक्टोडर्म, और एक दूसरी आपकी यहाँ पे एंडोडर्म। अगर आपको सिर्फ दो जर्म लेयर यहाँ पे मिलती है, देन यू विल से कि आपके हाथ में जो एनिमल है दैट इज योर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देन आप बोलोगे कि जो मेरे हाथ में एनिमल है
दैट एनिमल इज माय डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. तो एक तो ये हो गया अरेंजमेंट आपका. अगर आपके हाथ में एनिमल है, आप उसे कट करते हो और कट करने के बाद आपको वहां पे तीन जर्मलेयर आपको दिख रही है दो के जगह, तो एक तो आपको मिलेगा आउटर मोस्ट में आपको दिखेगा एक्टोडर्म, हाँ जी, फिर मिडल में आपको दिखेगी देखने के लिए वहां पे आपको मेसोडर्म, और इनर मोस्ट आपकी यहाँ पे होगी एंडोडर्म. ठीक है. सो व्हेन यू गेट टू हैव दिस थ्री जर्म लेयर्स, व्हेन यू गेट टू हैव दिस थ्री जर्म लेयर्स, दिस थ्री जर्म लेयर्स अगर आपको दिख रही है एनिमल के अंदर, देन आप क्लियरली कह सकते हो कि यार ये जो मेरा एनिमल यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी माय ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट एनिमल विल बी कॉल्ड एज माय ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये चीज आती है, हम लोग ट्रिपल प्लास्टिक है, हम लोग एडवांस है, हम लोग ट्रिपल प्लास्टिक है यहाँ पे. हाँ जी बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए अश्वानी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. सर क्वेश्चन ही रिपीट कर दो, आवाज चली गई. देखो इसमें है क्या ना, आपके जो जर्मानी लेयर होते हैं एक एनिमल के अंदर, आपको या फिर दो जर्मलेयर मिल सकते हैं या फिर तीन जर्मलेयर मिल सकते हैं. समझो तुम्हारे हाथ में एक एनिमल है, उसे तुम कट करके ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें मिलती है सिर्फ दो लेयर देखने के लिए, एक है आउटर मोस्ट एक्टोडर्म और इनर मोस्ट एंडोडर्म. अगर आपको सिर्फ दो लेयर दिख रही है देन यू विल से इट इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अगर आपको एनिमल के अंदर तीन तीन जर्मलेयर दिख रही है, एक है आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, देन बीच में है आपका मेसोडर्म और फिर आपका इनर मोस्ट है आपका एंडोडर्म, तो अगर आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर अगर आपको दिख जाती है तो तुम बोलोगे कि यार ये जो मेरा एनिमल है दिस इज गोइंग टू कॉल्ड माय ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि इसके अंदर मुझे तीन जर्मलेयर देखने के लिए मिल लिया. तो ये तुम्हें कितने बार एक ही चीज रिपीट करूंगा मैं, लाइक आई हैव जस्ट रिपीटेड द सेम थिंग ना पीयूष, क्या नहीं समझा रहा इसके अंदर. सब मेरी क्लास कट हो गई थी, सो ये तुम लोग लाइक यू हैव टू बी सी अंडरस्टैंड वन थिंग, वी हैव टू कवर सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन इन अ डे, राइट? सो डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ आस्किंग अगेन एंड अगेन इफ अ क्लास गेट्स इंटरप्टेड. सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, सुनो ध्यान से, जर्म लेयर आपके यहाँ पे आपको लाइक यू कैन हैव टू कंडीशन, यू कैन हैव अ डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन और यू कैन हैव अ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपको दो जर्म लेयर मिलती है, एक होता है आपका एक्टोडर्म और दूसरा आपका यहाँ पे होता है एंडोडर्म. एंडोडर्म इज अ इनर मोस्ट लेयर, एक्टोडर्म इज अ आउटर मोस्ट लेयर. अगर आपको दो लेयर मिले देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अगर आपको तीन जर्म लेयर अगर आपको दिखती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, देन आप उसे बोलोगे यहाँ पे एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. जितने भी आपके एडवांस एनिमल्स होते हैं उन सबके अंदर आपको तीन लेयर देखने के लिए मिल जाती है, जितने भी आपके एकदम पुराने या एकदम सिंपल टाइप के एनिमल्स होते हैं उनमें आपको दो जर्म लेयर आपको देखने के लिए मिलती है. So you have a two or a three germ layer. अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मुझे कहाँ मिलेगी देखने के लिए, then you can clearly say आपके यहाँ पे कुछ फाइलम आपके हो सकते हैं, like your porifera. इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपकी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. Then you can have something like your cnidarians, जिसे हम इवन बोलते हैं Cnidaria. So cnidaria will have the diploblastic condition. और जो थर्ड लेयर थर्ड फाइलम आपका यहाँ पे होगा दैट इज योर टीनोफोरा. That is our tinophora. So, जो तीन आपके फाइलम होते हैं याद रखना, इन तीनों के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. ऑल थ्री ऑफ देम विल हैव द डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ये बात याद रखना, पॉरीफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा, इन तीन के अंदर मिलेगा देखने के लिए आपको डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. इसके अलावा जितने भी आपको अलग दूसरे फाइलम आपको दिखेंगे, चाहे आप प्लेटिहेल्मिन्थेस लो, एस्केलेमेंटिस लो, जितने भी इसके बाद आपको दिखेंगे ना, उन सब के अंदर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आएगी, तो उसमें कोई एक्सेप्शन है भी नहीं. तो ये बात रखना, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा के अलावा ऑल द अदर फाइलम विच विल कम अक्रॉस विल हैव द ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. तो ये तीन तुम्हें बस इसके अंदर नाम याद रखना है, इसके अंदर आपको ये तीन दो जंगलर आपको मिलेगी देखने के लिए. ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगी. सो यू विल हैव एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, यू विल हैव एंडोडर्म जो आपकी होती है इनर मोस्ट. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये है मेरी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, दिस इज माय डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. अब डिप्लोब्लास्टिक में आप यहां देखो द आउटर मोस्ट लेयर ब्लू वाली, वो है मेरी यहां पे एक्टोडर्म, दैट इज माय एक्टोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर आपकी जो है वो है मेरी एंडोडर्म. ये जो रेड वाला जो पूरा पोर्शन है यहां पे, ये आपका कोई मेसोडर्म नहीं है, इट इज कॉल्ड एज माय मेसोग्लिया. ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये मेसोडर्म नहीं है, राइट? सो यू हैव द आउटर एक्टोडर्म एंड यू हैव इनर मोस्ट एंडोडर्म, और ये कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर. यू विल गेट टू सी दैट इन द
diploblastic animals, right? On the other hand, you have triploblastic condition. You have the triploblastic condition. इसमें आपको तीनों जमलर दिख जाएगी. आपकी एक होगी यहाँ पे आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, फिर बीच में आपको मिलेगा देखिएगा यहाँ पे आपका मेसोडर्म, एंड देन यू हैव द इनर मोस्ट योर एंडोडर्म. तो ये जो रेड वाली जो आपको लेयर दिख रही है, दिस इज द मेसोडर्म, ये आपकी एक नई लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. याद रखना, इतना याद रख लो कि आपकी जो जर्म लेयर होती है ना, उसमें से ही आपके सारे ऑर्गन बनते हैं. आपका हार्ट, आपके मसल्स, आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका सब बनता है आपका मेसोडर्म में से, राइट? आपका ब्रेन, आपकी आईज जो आपका बनते हैं, वो आपके बनते हैं फ्रॉम योर एक्टोडर्म. और आपका जो इंटेस्टाइन होता है, गट होता है जो आपका, वो आपका बनता है फ्रॉम द एंडोडर्म. ये आप फ्यूचर में वापस से पढ़ोगे इसको, अगर आप अभी याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, बट यू विल सी दैट थिंग अगेन. सो याद रखना, ये जो जर्म लेयर आपकी होती है, यही पूरा आपका ऑर्गन सिस्टम या आपके बॉडी के अंदर पूरा सेटअप यही करता है. यही आपका पूरा ऑर्गन का, या आई वुड से यही आपके बॉडी के अंदर पूरा ब्लू प्रिंट डिजाइन करते हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दे आर द थ्री थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू डिजाइन एवरीथिंग. सो मेसोग्लिया का कोई फंक्शन नहीं होता है. आपको ये तीन लेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? आपको सीरमिक कैविटी मिलती है, बट आपको मेसोग्लिया यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो हम बाद में आगे देखेंगे, ठीक है? तो याद रखना, मेसोग्लिया विल नॉट बी सीन इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. So that is something you have to know in terms of my triploblastic animals. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not the character of sponges? अगर sponges terms नहीं, four. Sir, four. ठीक है. Right. जो लोग आंसर यहाँ पे four कह रहे हैं, उनका आंसर यहाँ पे सही है. Sponges मतलब आपका पॉरीफेरा. Basically this means your phylum, पॉरीफेरा. तो पॉरीफेरा में याद रखिएगा, यू विल ऑलवेज गेट टू सी, आपको एक चीज तो नहीं मिलेगी देखने के लिए, दैट इज योर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आप मुझे बता भी दीजिए कि टिश्यू लेवल आपको कौन से ग्रुप में देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सीलेंटेट एंटीनोफोरा. वेरी गुड. राइट, निडेरिया एंड योर टिनोफोरा. यस, सीलेंटेट एंड टिनोफोरा विल हैव दिस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही. एक निडेरिया आपका यहाँ पे हो जाएगा और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे टिनोफोरा. ठीक है, तो ये सब याद रखना, इसके ऊपर बेस वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं नीट के अंदर. सो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. व्हिच फाइलम शोस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बताइए. बिल्कुल बिल्कुल सही. थर्ड आपने यहाँ पे आंसर होगा स्लेंडेटा. आप यहाँ पे आ जाता है आंसर, जिसके अंदर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा. स्लेंडेटा का एक एग्जाम्पल मुझे बता दो जो तुम इमेजिन कर सकते हो. जेलीफिश तुम बता सकते हो मुझे, और एक आपके यहाँ पे आ सकता है आपका हाइड्रा. और भी एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम्पल है जो आप थोड़ा आपने शायद देखे होंगे, इसलिए मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं मिलता ऑर्गन सिस्टम लेवल, बताइए. ठीक है, सबके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं और सबके आंसर यहाँ पे जो कॉमन आंसर यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज योर प्लेटीहेलमिंथस. यस, सो प्लेटीहेलमिंथस आपका यहाँ पे जो है एग्जांपल फाइलम, इसके अंदर आपको मिलता है ऑर्गन लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको यहाँ पे नहीं मिलता. यू विल गेट टू सी द ऑर्गन लेवल यहाँ पे. ऑर्गन लेवल यहाँ पे मिल सकता है, बट ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट? और इसके बाद जितने भी बाकी के आपके फाइलम होते हैं, उन सबके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑलराइट, द बेसिक फंडामेंटल फीचर विच एनेबल्स अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई एनिमल किंगडम आर, बताइए. क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सही. राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्मनी, ये सब आपको देखना पड़ता है, तभी आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो. ठीक है, देन अब ये ध्यान से बताना क्वेश्चन का आंसर. व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, मुझे बताओ सेकंड है इसका आंसर या फोर्थ है? बताओ सेकंड या फोर्थ. सेकंड. द
सेकंड होगा इसका आंसर. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी प्लेन मतलब किसी भी प्लेन से वो लोग कह रहे हैं. बायलैटरल में इन अ सिंगल प्लेन होता है, ठीक है. इन्होंने बोला व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर. इतना ही अगर स्टेटमेंट अगर तुम्हें याद रख लो तभी तुम्हें पता चल जाता है कि यार ये तो होगा रेडियल वाला, राइट. एंड देन डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो जब आप किसी भी प्लेन से उसे कट करो और अगर वो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और उसके बाद अगर आपको दो इक्वल हाफ्स मिल जाए, देन दैट इज कॉल्ड एज योर रेडियल सिमेट्री, ठीक है. बायलैटरल के अंदर यू कट देम इन अ सिंगल प्लेन, आप सिंगल प्लेन उसे कट करते हो और देन आपको दो इक्वल हाफ्स वहां पे मिलते हैं, राइट. देन यू कॉल्ड इट बायलैटरल सिमेट्री. तो इसमें रेडियल सिमेट्री का आंसर यहां पे आएगा. कहां कहां मुझे मिलेगी देखने के लिए रेडियल सिमेट्री? राइट, एडल्ट एकानोडर्म्स, बिल्कुल वो उसमें आ जाएगा निर्या के अंदर, राइट. सो एडल्ट एकानोडर्म्स में आपको, सो ये तीन मेरे फार्म होते हैं जिसके अंदर मुझे मिलेगा देखिए मेरा रेडियल सिमेट्री, ठीक है. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे सीलम की. लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय सीलम की, यार ये सीलम है क्या और इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने के लिए मुझे मिल जाएगा. तो सीलम बेसिकली होता है कि आपकी कैविटी, इट इज बेसिकली कैविटी जो आपको मिलते देखने के लिए बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में आपको एक कैविटी मिलती है और ये जो कैविटी होती है, सो सीलम इज बेसिकली नथिंग बट अ कैविटी. और इस कैविटी के अंदर अगर आपको ये कैविटी दिख जाती है एनिमल के अंदर, कैविटी मतलब स्पेस, राइट. कैविटी मतलब बेसिकली आपका होता है यहाँ पे दैट सिंपली मीन्स योर स्पेस, राइट. अगर आपको ये कैविटी देखने के लिए मिल जाती है देन याद रखना इस कैविटी के अंदर आपको फ्लूइड भी मिलेगा. इस कैविटी के अंदर आपको फ्लूइड भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दिस कैविटी खाली नहीं होती जनरली, उसके अंदर आपको फ्लूइड मिलता है और जो फ्लूइड आपको उसके अंदर मिलता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिलोमिक फ्लूइड, कॉल्ड एज अ सिलोमिक फ्लूइड. तो अगर मैं तुम्हारे सामने कोई एनिमल देता हूँ, समझो कोई एडवांस एनिमल तुम्हें देता हूँ, लेट्स से मैं तुम्हारे हाथ में फ्रॉग पकड़ाता हूँ, राइट. तुम फ्रॉग को अगर स्टडी करते हो, अगर उसे ध्यान से तुम स्टडी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा उसके अंदर आपको एक कैविटी मिलेगी, उसको आप उसके अंदर आपको एक कैविटी मिलेगी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे सिलोमिक कैविटी, राइट, या उसे हम बोलते हैं सीलम. अब अगर तुम्हें वो कैविटी दिख रही है ना, तो उस कैविटी के अंदर तुम्हें वो खाली कैविटी नहीं होगी, उसके अंदर तुम्हें मिलेगा देखने के लिए थोड़ा सा फ्लूइड आपको वहां पे मिलेगा. And that fluid is called as my silomic fluid. तो अगर तुम्हें silomic cavity दिख रही है तो इतना तो 100% sure होगा कि उसके अंदर तुम्हें fluid देखने के लिए तुम्हें मिलेगा और उस fluid को हम बोलते हैं यहाँ पे as a silomic fluid. तो इसको हम आगे picture के through हम यहाँ पे समझते हैं. अब कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे एनिमल के अंदर कोई भी कैविटी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलती और उन एनिमल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिलोमिक एनिमल्स. तो देखो यहाँ पे है क्या, आपको यहाँ पे तीन जर्म लेयर यहाँ पे दिख जाएंगी. यू विल हैव द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. बीच में जो स्पेस है उसे हम कैविटी नहीं बोलते, ये तो बेटा आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है, दैट इज नॉट अ कैविटी. तो आपको एक्टोडर्म यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव द आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट. बीच वाला आपको यहाँ पे आपको मेसोडर्म यहाँ पे दिख रहा है, राइट. और इनर मोस्ट लेयर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोडर्म. ये तीन लेयर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट. बट यहाँ पे आपको कोई भी सिलोमिक कैविटी नहीं मिल रही. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ये कैविटी मुझे कहाँ दिखेगी? तो याद रखना ये कैविटी मुझे अगर दिखनी होगी तो मुझे दिखेगी बिटवीन द एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म के बीच में. अगर मुझे कोई स्पेस दिखता तो मुझे दिखता एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में. मुझे तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा. तो ऐसे एनिमल्स में बोलूंगा यहाँ पे एज अ सिलोमेट, क्योंकि इनके तो मुझे कोई भी सिलोमिक कैविटी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज गोइंग टू बी योर प्लेटी हेलमेंथिस. हाँ जी, इनको हम फ्लैटफॉर्म भी कहते हैं, बिल्कुल सही. अब एक चीज याद रखना कि प्लेटी हेलमेंथिस का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये होते हैं असिलोमेट. याद रखना प्लेटी हेलमेंथिस आपका पहला फाइलम है जो आपका होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसके पहले जितने भी तुम्हारे फाइलम थे वो सारे थे आपके डिप्लोब्लास्टिक, राइट. आपका टीनोफोरा ले लो, आप निडीरा ले लो, आप पोरिफेरा ले लो, देवर ऑल माय डिप्लोब्लास्टिक. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका यहाँ पे एनिमल है, समझो आपके सामने एक मैं एनिमल आपके हाथ में देता हूँ और उस एनिमल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल फाइंड कि आपके पास एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, राइट. और
एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में आपको कोई कैविटी वहां पे नहीं दिख रही, तो द सच एनिमल्स कैन बी कॉल्ड एज माय ऑसिलोमेट. ऐसे एनिमल्स को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ ऑसिलोमेट, क्योंकि अंदर इसके अंदर सिलोमिक कैविटी एबसेंट है. बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, या इसे हम बोलेंगे यहाँ पे सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रही, इज गोइंग टू बी योर एबसेंट. और अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको दिख रही है देन यू विल कॉल देम एज अ ऑसिलोमेट. फ्लैटी हेलमेटस आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. अब आप ये बात याद रखो, प्लीज ये बात समझो ध्यान से, कि इसके पहले जितने मेरे यहाँ पे जो फाइलम थे वो सारे थे डिप्लोब्लास्टिक, तो वो तो बाय डिफॉल्ट वो असिलोमेटी होंगे, उनके अंदर तो सिलम आपको कभी दिखेगा ही नहीं, राइट? सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ योर असिलोमेट. बट उसके साथ साथ प्लैटी हेलमेटस तुम्हें याद इसलिए रखना है क्योंकि ये पहला आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका ये फाइलम है जिसमें आपको सिलम देखने के लिए आपको नहीं मिलता. सो याद रखना, दैट इज वाई वी से द प्लैटी हेलमेटस एज एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. और इसके पहले जो इतने भी आपके एग्जाम्पल है, इसके पहले जितने भी आपके फाइलम थे वो तो बाय डिफॉल्ट असिलोमेटी होंगे, उनमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता कि वो उनके सिलम होने के कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट मी शो यू दिस सिलोमेट्स ओवर हियर. ये है आपकी कंडीशन जहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए हमारे अंदर, तो दिस इज द कंडीशन जो आपको ह्यूमंस में देखने के लिए आपको मिल जाएगी सिलोमेट्स. तो यहाँ पे आपको सिलोमिक कैविटी भी दिखेगी और उसके कैविटी के अंदर आपको फ्लूइड भी दिखेगा, राइट? सो हियर यू विल गेट टू सी द सिलोमिक कैविटी. सो यू विल हैव द सिलोमिक कैविटी तो आपकी यहाँ पे होगी होगी, बट उसके साथ साथ उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सिलोमिक फ्लूइड. विल हैव द सिलोमिक फ्लूइड. तो यहाँ पे आपको फ्लूइड काफी अच्छे से देखने के लिए आपको मिल जाएगा. अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे ये कैविटी मेरी कहाँ पे है, तो आप देखो इट इज बिटवीन द एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म. आपका इनर मोस्ट में आपका यहाँ पे है आपका एंडोडर्म, राइट? और बाहर के साइड पे आपका यहाँ पे मेसोडर्म. सो बेसिकली बिटवीन द एंडोडर्म एंड मेसोडर्म यू कैन सी द कैविटी ओवर हियर. ये रही आपकी यहाँ पे कैविटी. सो दिस इज माय सिलोमिक कैविटी ओवर हियर, राइट? और इसी के अंदर आपको वो फ्लूइड देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. और ये कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सिलोमेट. सो दिस इज व्हाट वी विल गेट इन द सिलोमेट. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आफ्टर योर लाइक आई वुड से फ्रॉम एनिलिडा, एनिलिडा से लेके आपके कॉर्डेटा तक, सारे के सारे जो आपके फाइलम होंगे दे आर गोइंग टू बी माय सिलोमेट. इनके अंदर आपको ये कैविटी भी आपको दिखेगी और इसके अंदर आपको ये फ्लूइड भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो दे आर ऑल गोइंग टू बी सिलोमेट. ये फर्क याद रखना, यू हैव अ सिलोमेट एंड ओवर हियर यू हैव अ असिलोमेट. पहले तो ये दो को आप यहाँ पे याद रखो. वरुण बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ. सर एनिमल में अब्सेंट होएगी ना सर, वापस बोलना. सर एनिमल में तो अब्सेंट होएगी. कौन से एनिमल में? तो ओल्ड एनिमल में अब्सेंट होएगी. देखो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, तो मैं समझ नहीं पा रहा. देखो तुम एनिलिडा की बात कर रहे हो, मतलब अर्थवर्म वाला जो फाइलम है वहां से लेके कॉर्डेट वाले फाइलम तक, सबके अंदर आपको सिलोमिक कैविटी देखने के लिए मिलेगी और उसके अंदर तुम्हें फ्लूइड भी यहाँ पे देखने के लिए तुम्हें मिल जाएगा, राइट? अगर तुम सोचो कि ये कहाँ मिल जाए, तो ध्यान रखना बिटवीन द एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में तुम्हें ये कैविटी या स्पेस देखने के लिए तुम्हें मिल जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्लैटी हेलमेंटस की, तो प्लैटी हेलमेंटस के अंदर मुझे कोई भी कैविटी देखने के लिए नहीं मिल रही, इसलिए हम इन्हें क्लास में डालेंगे दैट इज माय ऑसिलोमेट. इसलिए इनको जिस कैटेगरी में मैं डालता हूँ दैट माय ऑसिलोमेट. अब प्लैटी हेलमेंटस के पहले जितने भी मेरे फाइलम थे वो कौन से थे? तीन थे मेरे फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड योर टिनोफोरा. इनके अंदर भी आपको ऑसिलोमेट कंडीशन ही मिलती है, इसमें भी कभी आपको सिलम फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता. लेकिन हम उनके बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, दे आर ओनली गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तो कभी हो ही नहीं सकता सिलम, ठीक है? समझ आ रहा है वरुण यहाँ तक? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस सर. ठीक है, सो ये बात तुम्हें याद रखनी है. सो जब मैं कह रहा हूँ एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, दैट मीन सबके अंदर आपको सिलोमिक फ्लूइड आपको मिलेगा और कैविटी आपको मिलेगी, राइट? अब यहाँ पे एक अलग सा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, द वन मोर सेपरेट एग्जाम्पल, वन मोर सेपरेट कैटेगरी इज माई सूडोसिलोमेट्स. अब सूडोसिलोमेट्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कैविटी नहीं मिलती, यू डोंट हैव अ फॉल्स लाइक, बेसिकली आपको सही मायने में आपको यहाँ पे कैविटी नहीं मिलेगी. यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए मेसोडर्मल पाउचेस, यहाँ पे आपको मेसोडर्मल
पाउचेस देखने के लिए आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे है क्या, अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे हम तीनों जर्म लेयर को यहाँ पे हम देखते हैं। आउटर मोस्ट आपकी जो लेयर है दैट इज माई एक्टोडर्म, ये जो आउटर मोस्ट है मेरी, ये है मेरी यहाँ पे एक्टोडर्म, दैट इज माई एक्टोडर्म। इनर मोस्ट मेरी जो यहाँ पे है दैट इज माई एंडोडर्म। अब आप लोग मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पे सही मायने में मिजोडर्म यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? ट्रू मिजोडर्म आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? नो सर, नो सर, नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? नो सर। एक सही मायने में जो एक मिजोडर्म होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए मिजोडर्मल पाउचेस, यू कॉल एम एज अ मिजोडर्मल पाउचेस, मिजोडर्मल पाउचेस। तो यहाँ पे आपको एक सही मायने में मिजोडर्म आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट आपको मिजोडर्म जैसा एक मिजोडर्मल पाउचेस आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो यू कैन सी द मिजोडर्मल पाउचेस ओवर हियर, राइट? सो दैट इज व्हाई ये जो पाउचेस यहाँ पे आपको दिखते हैं दे समटाइम बिहेव लाइक अ सीलम, दे बिहेव लाइक अ सीलम, लेकिन वो एक्चुअली में सीलम नहीं होते हैं। दे बिहेव लाइक अ सीलम बट दे आर नॉट सीलम इन अ ट्रू सेंस, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सूडो सीलम, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फॉल्स सीलोमेट्स। तुम इतना याद रखना कि जो फॉल्स सीलोमेट जो तुम्हारी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं आप एज अ सूडो सीलोमेट, इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके मिजोडर्मल पाउचेस, बट यहाँ पे मुझे सही मायने में ना ही मुझे यहाँ पे मिजोडर्म दिखेगा ना ही मुझे यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे सीलम फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखेगा। सो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माई सूडो सीलोमेट, और जो सूडो सीलोमेट की जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे आई विल सी देम इन माई सिर्फ एक ही फाइलम के अंदर, और वो फाइलम मेरा यहाँ पे होगा एस्केलमेंथस। सो एस्केलमेंथस जो मेरा यहाँ पे फाइलम है सिर्फ इसी फाइलम के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एज अ सूडो सीलोमेट कंडीशन। और याद रखना ये जो मेरा फाइलम यहाँ पे है एस्केलमेंथस, इसको हम कॉमनली वन कहते हैं एज अ यहाँ पे एज अ राउंड वॉर्म्स, यू ऑल्सो कॉल देम एज अ राउंड वॉर्म्स। तो याद रखना राउंड वॉर्म्स के अंदर जो आपको कंडीशन मिलती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सूडो सीलोमेट कंडीशन। इसमें मुझे ट्रू सीलम देखने के लिए नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पे मिजोडर्म भी ट्रू सेंस में देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, आई ओनली गेट टू सी ओवर हियर द मिजोडर्मल पाउचेस। बस इतना याद रख लो, इतना अगर तुम याद रख सकते हो देन दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सूडो सीलोमेट कंडीशन, और ये सिर्फ तुम्हें एक ही फाइलम में याद रखना है एस्केलमेंथस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या ये वाला टर्म सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, उसके अलावा यू हैव दिस सीलोमेट टर्म व्हिच शुड बी क्लियर टू यू कि सीलोमेट कंडीशन मुझे कहाँ मिलेगी? सारे एडवांस ग्रुप में आपको मिलेगी सीलोमेट कंडीशन, यहाँ पे आपको सीलोमिक कैविटी आपको दिख जाते हैं बिटवीन द मिजोडर्म एंड द एंडोडर्म के बीच में, एंड देन यू हैव द असीलोमेट कंडीशन जहाँ पे आपका कोई भी कैविटी आपको नहीं दिख रही, यहाँ पे विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ कैविटी ओवर हियर। ठीक है, हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। ओके नो क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, यू हैव दिस असीलोमेट, यू हैव द सूडो सीलोमेट एंड यू हैव द सीलोमेट कंडीशन, ये तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं, इनके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो याद रखना यहाँ पे आपके दो टर्म है, इधर यू हैव अ कंप्लीट और यू हैव अ इनकम्प्लीट, यहाँ पे टू आएगा, इधर यू हैव अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस। देखो अगर आपके पास एक एनिमल अगर आपको मिलता है, assume that you have an animal over here, समझो एक आपको एनिमल ऐसा यहाँ पे मिल जाता है, राइट? और इस एनिमल के अंदर आपको सिर्फ माउथ पार्ट दिख रहा है, यू हैव अ ओनली सिंगल ओपनिंग, आपके पास यहाँ पे है सिंगल ओपनिंग, आपके पास सिर्फ माउथ आपका इनस नहीं है, सो यू हैव द माउथ इन द एनिमल, बट उसके पास खाना को बाहर निकालने के लिए, खाना यहाँ से अंदर जाएगा बट दो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे निकालने के लिए एक और ओपनिंग नहीं है, सिर्फ आपको दिख रही है यहाँ पे सिंगल ओपनिंग, you have over here single opening. अगर आपको यहाँ पे single opening अगर आपको यहाँ पे दिख जाती है then such digestive system is called as my incomplete digestive system. Incomplete के अंदर आपको सिर्फ mouth part दिखेगा, आपको anus यहाँ पे नहीं मिलेगा, you won't have two openings, यहाँ पे आपको single opening मिलेगी। तो यहाँ से खाना अंदर जा रहा है, digest किया जा रहा है खाने को, और जो undigested खाना है उसे यहाँ से आप बाहर निकालते हो, उसको आप यहाँ से बाहर निकालोगे। So such opening or such GI tract is called as my incomplete digestive system. यहाँ पे आपको single opening मिलती है देखने के लिए, ठीक है? इसके example हम आगे देखेंगे, इसके example हमें क्या क्या देखने के मिल सके, we'll see that in the आगे वाले slides के अंदर। Network,
हाँ जी, प्लेटी हेलमिंथिस एक आपका बढ़िया एग्जांपल है, बन जाएगा राइट. सो प्लेटी हेलमिंथिस तक मैं कहूंगा यू विल हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आप इस तरीके से याद रख लो अप टू प्लेटी हेलमिंथिस, अप टू, और आई वुड से ओनली प्लेटी हेलमिंथिस, क्योंकि बाकी के अंदर आप जीआई ट्रैक को लाइक यू डोंट हैव अ ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद रखो, यू हैव टू नो दैट इज गोइंग टू बी अ प्लेटी हेलमिंथिस. They will be having your incomplete digestive system. फिर आपको यहाँ पे टर्म आता है complete का. अगर incomplete समझ सकते हो तो complete भी आप समझ जाओगे. यहाँ पे basically मुझे मिलेगा देखने के लिए both the openings. यहाँ पे I will have the mouth. So round worm में होता है शायद. And you will have the anus. So mouth and anus आपको यहाँ पे दोनों ही opening आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. माउथ से खाना आपका अंदर जाएगा और इनर से आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपका बाहर निकलेगा. तो अगर आपको माउथ और इनर से अगर आपको दोनों ही चीज अगर आपको यहाँ पे देखने के मिल रही है, आप द बोथ द ओपनिंग्स, हैव टू ओपनिंग्स, व्हेन यू हैव टू ओपनिंग्स ओवर हियर, देन सच काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज माय कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे आप एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आपसे कोई पूछे क्या ये मुझे कहाँ देखने के मिलेगा, देन आपको याद रखना है राउंड वॉर्म से लेके कॉर्डेट्स तक. So from your escalmanthus, so escalmanthus से लेके इस ग्रुप से लेके आपके कॉर्डेटा तक, from here to cordata, सबके अंदर you will have complete digestive system. ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है. escalmanthus से लेके cordates तक सबके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका complete digestive system. That means mouth and anus will be separate. दो अलग अलग opening आपको यहाँ पे मिल जाएगी and that is going to be a complete digestive system, जो हमारे अंदर भी है right? सारे advanced animals के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है. तो ये बात याद रखना है, you have a complete and an incomplete digestive system, ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. So that is one thing you have to know. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. क्या ये स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर. तो ये आपका हो गया यहाँ पे जीआई ट्रैक, यहाँ पे होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन आज की क्लास के अंदर. हमने ये कर लिया सेगमेंटेशन, हम लोग कल से देखेंगे. एक तो हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट, देन वी हैव द सीलम, जो आपके तीन टाइप के यहाँ पे आपको मिल सकते हैं. यू हैव थ्री कंडीशन ओवर हियर. इधर एनिमल आपका हो सकता है असिलोमेट, कोई भी कैविटी आपको यहाँ पे दिख नहीं रही, दैट्स असिलोमेट लाइक योर प्लेटी हेलमिंथिस राइट. यू कैन हैव अ कंडीशन जहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और आपको मिलेगा मेसोडर्मल पाउचेस. टू सेंस में ना ही यहाँ पे मेसोडर्म है ना ही आपका सीलम है. सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय सूडो सिलोमेट कंडीशन, और ये आपको मिलेगा देखेंगे आपका एस्केलमैंथिस के अंदर. सिर्फ एक ही फाइलम में इसके अंदर आपका इन्वॉल्व होगा राइट. सिलोमेट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए वेल डिफाइंड सिलोमिक कैविटी, जहां पे आपको सिलोमिक फ्लूइड मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग सीन बिटवीन द एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में, एंड ये आपको मिलता है देखने के लिए फ्रॉम द एनेलिड्स और कॉर्डेट्स के बीच में. यू विल गेट टू सी दैट. ये आप यहाँ पे देख लोगे. एंड देन वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द टू काइंड ऑफ जर्म लेयर्स, लाइक दो कंडीशन है आपकी जर्म लेयर की, एक है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक आपका यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है. दोनों को आपको यहाँ पे याद रखना है राइट. याद रखना तीनों फोरा तक सब लोग होते हैं आपके यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक. ऑल ऑफ देम विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय डिप्लोब्लास्टिक, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. एंड देन वी हैव सीन द सिमेट्री, हम यहाँ पे देख चुके हो बायलैटरल रेडियल एंड योर असिमेट्रिकल एनिमल्स. ये बड़ा ही सिंपल था जो हमने देखा था. And then the cellular level of organization. So level of organization. तो ये हमने देखा है यहाँ पे. तो इतनी चीज़ हम लोग देख चुके हैं. अभी हमें बस दो तीन चीज़ें कवर करनी है. एक बार वो कवर हो जाती है, then we can start with the phylum, right? जो हमारा कल के क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है? Yes sir. आप पढ़ के आना. परसों आज तो मिलेगा नहीं, लेकिन परसों आपको इसका assignment आपको मिल जाएगा. Solve the question based on this. और एक और चीज़ याद रखना, जो भी आपका अपकमिंग टेस्ट है 80% क्वेश्चन आपके रहेंगे प्लांट किंगडम में से. तो प्लांट किंगडम पे फोकस करिए. कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दीजिए कि समझ नहीं आ रहा राइट. प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. एंड या जस्ट रिवाइज ऑल दोस थिंग्स व्हाट वी हैव टोल्ड यू, ठीक है? ऑलराइट. सो अगर इस पोर्शन को लेके अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, अगर आपको क्लियर नहीं है, देन प्लीज इंटरप्ट करके लेट मी नो राइट नाउ. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर इन दिस, देन प्लीज लेट मी नो. जस्ट गिव मी अ मिनट टिल दैट. हाँ जी बेटा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका सर. जो जर्म लेयर होती